फ्रेंड्स, आजकल छोटी उम्र से बालों का पकना एक आम बात है, लेकिन एक अच्छे ऑयल के इस्तेमाल करने से इसको रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा ही एक अमेजिंग ऑयल जो आज समय पके हुए बालों को ना ही काला करेगा, बल्कि इसके लगातार इस्तेमाल करने से 60 से 70 उम्र तक के आपके बाल काले, लंबे, घने बने रहेंगे। ये ऑयल बहुत ज़्यादा गुणकारी है हमारे हेयर के लिए। ये हमारे हेयर की 70 से 75% समस्याओं को दूर करेगा, जैसे असमय बालों का सफ़ेद होना, बालों की ग्रोथ ना होना, बालों का लगातार झड़ना, या स्कैल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे डैंड्रफ्स, ईचिंग एंड और भी सारी प्रॉब्लम को ये दूर करेगा। तो फ्रेंड्स, इस आयुर्वेदिक हर्बल ऑयल को बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बनता है जो आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं इसका यूज़ कैसे करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो इस ऑयल का यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। जब आपका हेयर अच्छे से सूख जाए तो उसके बाद इस ऑयल को अपने स्कैल्प में, अपने हेयर में, हर जगह आपको अच्छे से लगा लेना है। लगाने के बाद आप इसको 5 से 6 मिनट अपने बालों को अच्छे से मसाज करिए। मसाज करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए। आप कोशिश करिए इसको रात में लगाइए। रात में लगाने के बाद, मसाज करने के बाद सो जाइए, सुबह आप शैम्पू कर लीजिए। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस ऑयल को लगाने के बाद, मसाज करने के बाद 5 से 6 मिनट आप इसको 1 घंटे रखिए, उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। चलिए फिर जानते हैं इस अमेजिंग ऑयल को कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ गरिमा, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्टाइलिस्ट लॉयनेस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और इस बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल पाए और मेरी वीडियोज़ को देख पाएँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमें पहला इंग्रेडिएंट चाहिए वो चाहिए लेमन। लेमन को हमें ऐसे ही यूज़ करना है, इसको वॉश कर लीजिए, उसके बाद इसको कट कर लीजिए। इसमें हम मैंने 4 लेमन यूज़ किया हुआ है। लेमन में विटामिन सी और बी होता है जो हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग करता है। इसमें फॉलिक एसिड और मैग्नीशियम एंड कैल्शियम होता है एंड मिनरल भी, जो हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और डैंड्रफ को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस तरीके से देखिए, मैंने सारा लेमन, 4 लेमन को इस तरीके से कट कर लिया है। फिर जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो हमें चाहिए मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल आपको इजीली अवेलेबल है आपके किचन में। यहाँ मैंने 200 ml मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। इसमें मैंने 4 नींबू का यूज़ किया हुआ है। फिर हमें चाहिए कड़ी पत्ता, जिसको बोलते हैं कड़ी लीफ, वो भी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। इसको इस तरीके से वॉश कर लीजिए, ये ज़्यादा है। हमें थोड़े ही 5 से 6 कड़ी पत्ते की यहाँ पर ज़रूरत है। वॉश करने के बाद इसको, इसके पत्तियों को अलग कर लीजिए और डंडी को अलग कर दीजिए, जैसा कि आपको दिख रहा है। कड़ी पत्ती फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे हेयर के लिए। ये हमारे जो समय से पहले जो हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसको कंट्रोल करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। इसमें बीटा कैरेटीन होता है जो हमारे हेयर लॉस को, हेयर फॉल को कंट्रोल करने बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये हमारे एज अ हेयर पे हेयर टॉनिक वर्क करता है। इस तरीके से देखिए, हमारे सारे इंग्रेडिएंट हो चुके हैं रेडी। अब हमें इसको ऑयल को करना है तैयार। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन। पैन को गरम कर लीजिए और जो इसमें मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल जिसको बोलते हैं, उसको इसमें ऐड करना है इस तरीके से, थोड़ा पैन गरम हो जाए तो। यहाँ पे मैंने 200 ml ऑयल में 4 लेमन का यूज़ किया है, उसके पीसेस कट करके, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और मैं बता दूँ फ्रेंड्स, मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे हेयर के लिए। ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। इसकी वजह से हमारा हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसमें फैटी एसिड ओमेगा 3 होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है जो हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। एंड इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है उसको प्रिवेंट करता है। एंड उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं इस मस्टर्ड ऑयल के। तो मस्टर्ड ऑयल को ईज़िली आपके घर में, किचन में ईज़िली अवेलेबल है एंड इसका बहुत टाइम से लोग इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए, पैन ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और हमें लेमन को इस तरीके से हमें ऐड कर देना है, इसमें डाल देना है। एंड फ्रेंड्स, ये जो हमारा जो ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, इसमें विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। एंड इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा ये इसको चलाते रहना है कंटिन्यू। एंड अभी जैसे आप नोटिस करें तो इसमें बुलबुले निकल रहे हैं।
अब पता कैसे चलना है कि ऑयल हमारा तैयार हो गया। अभी आप नोटिस करिए, बुलबुले जैसे ऑयल में निकल रहे हैं, जब हमारा ऑयल तैयार हो जाएगा तो ये बुलबुले बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आपको नहीं दिखेंगे। तब समझना कि आपका ऑयल बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये जो इसमें जो मैंने लेमन डाला है, वो लेमन बिल्कुल ही ब्राउन हो जाएगा, इसके अंदर जो रस है लेमन के अंदर वो बिल्कुल सूख जाएगा, तो हमारा ऑयल समझना रेडी हो जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहना है। अब ये डालने के बाद ऑयल में पाँच से छः मिनट बाद आपको ऐड करना है इसमें कड़ी का पत्ता, जो कड़ी पत्ता हमने तैयार किया था उस कड़ी पत्ते को इसमें डालना है। कड़ी पत्ता हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इस तरीके से इसमें डाल दीजिए। कड़ी पत्ता में बीटा कैरोटीन होता है जो हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। आप इस कड़ी पत्ते को आप एज अ हेयर मास्क भी अपने हेयर पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर को प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है। इस तरीके से देखिए लेमन काफ़ी सॉफ्ट हो गया है हमारा, अब इसमें डाल दीजिए। एंड डालते वक्त ये बिल्कुल पटकेगा नहीं, जैसे नॉर्मली हम किसी गर्म तेल में डालते हैं कड़ी पत्ते को तो पटकता है, बहुत छिटक छिटक के ऊपर आता है, ये ऐसे ऊपर नहीं आएगा। नॉर्मली आप इसको ईजिली अपने ऑयल में डाल सकते हैं। इस तरीके से अब इसको पकने दीजिए 6 से 7 7 से 8 मिनट, ये आराम से ले लेगा पकने में। जब ये डार्क ब्राउन हो जाए और बिल्कुल इसके बुलबुले, से मैंने बताया पहले भी, बुलबुले बिल्कुल मर जाएं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, तब समझना आपका ऑयल रेडी हो चुका है। देखिए हमारी ऑयल की बात करें तो इस तरीके से इसको प्रेस कर देना है लेमन को, ताकि लेमन में जो रस अभी बाकी है वो अच्छे से तेल में मिक्स हो जाए और पक जाए। तो इस तरीके से देखिए काफ़ी हद तक हमारा तेल रेडी हो चुका है। एंड अभी भी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ, लेकिन आप यहाँ नोटिस करें तो जो बुलबुले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा निकल रहे थे वो थोड़े से कम हो चुके हैं। एंड अभी इसको 2 से 3 मिनट और लगेगा पकने में, बस आप इसको इस तरीके से प्रेस करते जाइए और कंटिन्यू थोड़ा चलाते रहिए, ताकि ऑयल चीज़ें जले ना और चीज़ें हो जाएँ। देखिए इस तरीके से प्रेस कर देना है ताकि लेमन का रस अच्छे से ऑयल में मिल जाए। एंड ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए उसके बाद हमें इसको उतार देना है। इस ऑयल को फ्रेंड्स आप 6 से 7 महीने अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, नॉर्मल कहीं पर रख सकते हैं स्टोर करके, और इसका यूज़ कर सकते हैं बना करके। एंड इसका इस्तेमाल करते कंटिन्यू लगातार आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका जो हेयर अभी जो पके हुए हैं वो भी ब्लैक हो जाएंगे। अब देखिए बुलबुले काफ़ी हद तक कम हो चुका है, हमारा ऑयल रेडी हो गया है। आप बंद कर दीजिए स्टोव को, उसके बाद देखिए इसको ठंडा होने दीजिए, और उसके बाद इसको छान लीजिए किसी बर्तन में जिसमें आपको स्टोर करना है। इस तरीके से छान के इसको स्टोर करके, जैसे मैंने बताया कि 5 से 6 महीने आप इसको नॉर्मल स्टोर कर सकते हैं। और जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इसको लगाने का प्रोसेस आपको बता ही दिया है, तो उस तरीके से आप इसको लगा करके अच्छे से यूज़ कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के ज़रूर बताइए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए, और ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलें। और अपना ख्याल रखें, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।